माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी ब्यूटीफुल फैमिली को हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। गाइस, अब मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो ये है कि हम त्योहार में काम करते करते इतने थक जाते हैं कि अपने लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना है? कुछ तामझाम नहीं करना है, हमें कुछ बाजार से लेकर नहीं आना है। आपके घर में ही सारी चीज मौजूद है जो मैंने यूज किए, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम अपने फेस पर मास्क पे लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि आप तैयार होने से 15 मिनट पहले भी कर सकते हैं, उसी दिन भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने लिए 15 मिनट निकालने हैं। ऐसा चेहरे पे ग्लो आएगा, ऐसा शाइन आएगा आपका फेस करेगा कि सारे जो महंगे से महंगे फेशियल भी होंगे ना वो सारे फेल हो जाएंगे। तो देखिएगा कि इसे कैसे हमें बनाना है, कैसे लगाना है और इसके आगे क्या करना है। प्लीज मेरी वीडियो को स्किप करते हुए मत देखिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि इसके बाद हमें क्या करना है और पैक हटाने के बाद भी हमें अप्लाई क्या करना है। तो आगे का प्रोसेस शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को, शाइनिंग रूबल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। तो गाइस, पैक बनाने के लिए हमको चाहिए एक क्लीन बाउल, एक थोड़ा सा हमें बड़ा बाउल चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, आज हमें डालना है राइस वाटर, माड़ का पानी, जो चावल के का पानी होता है ना माड़ का, ये वो वाला वाटर है। जब हम चावल हमारा बन जाता है उसको हम छानते हैं, जब बने हुए चावल को, उसमें जो पानी होता है ये वो है राइस वाटर। ये देखिए, ये मैंने डाल लिया ऐसे बाउल में। इसको हमने क्यों लिया है, ये हमारी स्किन को एकदम टाइट करता है, हमारी स्किन पे शाइन लेकर आता है और इसमें स्टार्च भी होता है जो हमारी स्किन पे एकदम ग्लो लेकर आएगा, इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा। ये मैंने ले लिया राइस वाटर। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, सेकंड, सिर्फ हनी। ये दोनों चीजें आपके घर पर ही होंगी। ये ले लिया मैंने 1 स्पून हनी, इसमें ऐड कर दिया। हनी क्या करता है, अब जैसे हल्की सी ठंडक आ गई है तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, डीप क्लीन करेगा, आपके ओपन पोर्स जो श्रिंक है उनको भी रिड्यूस करेगा, बंद करेगा और ग्लो लेकर आएगा आपके चेहरे पे। जो इसमें सिलिकॉन होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसको राइस वाटर में डालकर हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, ऐसे आपका वाटर बन जाएगा। ये हनी को मिक्स कर लिया है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में होममेड मास्क बताया था कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने मास्क लिया है अपना। अगर आपके पास मास्क है घर में तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन का हैंकी भी ले सकते हैं। अगर मास्क नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हमें थोड़ा देर डिप करना है इस वाटर में। आप इसको डिप कर लेंगे अपने फेस पे, 15 मिनट्स तो आपको लगाना ही है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। ये हमने इसको डीप कर लिया है ऐसे। अब हमें अपने फेस पे इसको लगा लेना है, देखिएगा कैसे एकदम ग्लो आएगा। फिर मैं आपको 15 मिनट्स बाद मिलूंगी मास्क लगाने में। अब आपको इसको 15 मिनट तक अपने फेस पर रखना है और रिलैक्स करना है। गाइस, 15 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना मास्क उतारेंगे। गाइस, आपका जो मास्क होगा वो सूख चुका होगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, ये जो हमने मास्क लगाया था इसमें जो राइस वाटर और हनी था, इसको आप फेस पे ऐसे हल्का हल्का सा रब करेंगे।
ठीक है, हल्का सा रब कर लिया आपने। जब आपको तैयार होना है या नहाना है तब आपको इसको पानी से वॉश करना है, क्योंकि ये जब लगा रहेगा तो आपकी स्किन का ग्लो जो है वो और ज्यादा आएगा, आपकी स्किन को ये अंदर से नरिश करेगा, शाइन लेकर आएगा और स्किन को टाइटन भी करेगा। जब आप अपने फेस को पानी से धो लेंगे तब आप देखिएगा कितना अच्छा ग्लो आएगा। जब आप मेकअप करेंगे कहेंगे कि कौन सा महंगा वाला फेशियल कराया है आपने जो कि इतना अच्छा ग्लो आ रहा है आपके फेस पे। जब आप ये अप्लाई करें तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं आपके लिए ऐसी इजी वीडियोस आगे भी लेके आती रहूंगी। तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।